हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का उत्पम। इसके लिए मैंने 3 पाव सूजी लिए, ये मेजरमेंट से छोटी 5 कटोरी है, और ये 2 छोटे प्याज हैं, 2 हरी मिर्च, 2 टमाटर और थोड़ी सी कद्दू की इसकी गाजर, और 1 कटोरी दही है। अब हम सूजी को में एक पहले दही डालेंगे, अब इसमें पानी डाल के इसको भिगोएंगे आधा घंटे के लिए। जैसे इडली बनती है वैसे ही इडली जैसा बैटर बनाना है इसका। छोटा इसलिए मैंने इस भगोने में डाल लिया था ताकि आराम से ये भीग सके। इसमें पानी और ऐड करेंगे। अब इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अब ये बैटर में पानी डाल दिया, अब इसको आधा घंटे के रेस्ट के लिए रखेंगे। हम कटी हुई सब्जियां बाद में मिलाएंगे इसमें। सूजी को रेस्ट करे आधा घंटा हो गया है, अब इसमें कटी हुई सब्जियाँ डालेंगे। टमाटर, गाजर, ये प्याज, हरी मिर्च, उसको मिक्स कर लेंगे। बैटर थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे। उत्पम बनाने के लिए मैंने नॉन स्टिक तवा गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ये मैं बच्चों के टिफ़िन के हिसाब से आज मिनी उत्पम बनाऊंगी, छोटे छोटे, जो बच्चे छोटे बच्चे आराम से शौक से खा सकते हैं उसे। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं। अब इसको ढक देंगे हम 2-3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट बाद चेक करेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2-3 मिनट हो चुके हैं, एक साइड से देखते हैं पके नहीं, टर्न करके देखते हैं। एक साइड से सिक चुके हैं हम इसको।
अब इन पे थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, फिर 2-3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे हम। अब इसको दूसरी साइड से भी चेक करेंगे, ये बन चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे हम प्लेट में। मिनी उत्पम बन के तैयार है, मैंने सर्विंग प्लेट में निकाल दिया। इसे सॉस के साथ सर्व किया है, आप इसे धनिया की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। बनाइए, खाइए, और ये कैसे बने हैं बच्चों के टिफिन में बना के रखिए। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।